हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को कंक्लूड करने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की, और आई होप आप लोगों ने पहली दो वीडियोस देख ली हैं, और अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो जाइए पहले फर्स्ट टू वीडियोस ऑन माइक्रोस्ट्रिप एंटीना देख आइए, ठीक है। मैं कंसीडर कर रही हूँ आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हम ये देखेंगे कि माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, इन लिमिटेशंस को ओवरकम कैसे किया जाए, फिर हम देखेंगे एप्लीकेशंस क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एडवांटेजेस और लिमिटेशन समझ आने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। इसीलिए मैंने एनफोर्स करा आपको कि आप जाइए पुरानी वीडियोस देख आइए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली एडवांटेज के साथ। द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट कि जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसका साइज बहुत छोटा है, वॉल्यूम छोटा है, राइट। तो ये चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी एप्लीकेशंस के लिए। हम क्या चाहते हैं, अगर हमारे पास फ़ोन है, हम बहुत बड़ा सा फ़ोन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पॉकेट में आ जाए फ़ोन। तो हम चाहते हैं साइज एंटीना का बहुत छोटा हो। फ़ोन के अंदर भी एंटीना होता है, अगर एंटीना ही बहुत बड़ा हुआ तो फ़ोन कितना बड़ा हो जाएगा। ओके, सो वी वॉन्ट स्मॉल साइज एंड लेस वॉल्यूम एंटीना। सो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी एडवांटेज है कि ये स्मॉल साइज का है, वॉल्यूम छोटा है। अगर साइज स्मॉल है, वॉल्यूम छोटा है, तो वेट भी कम होगा। तो ये भी बहुत अच्छी एडवांटेज है। हम अपना जो मोबाइल फ़ोन है, हम ऐसा चाहते हैं कि हम खुद से कैरी कर ले, हम नहीं चाहते कि चार लोग हमारे पीछे पीछे फ़ोन लेकर आ रहे हो, राइट। सो इसका वेट बहुत कम है, इट इज़ लाइट वेट एंटीना, और इट इज़ ईजी टू मैन्युफैक्चर। इन सब क्वालिटीज़ की वजह से ईजीली मैन्युफैक्चर हो जाता है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। जो इसकी फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो सिंपल है। यहाँ पर फैब्रिकेशन कॉस्ट भी कम। अब अगर मेरे पास कोई एंटीना है, वो छोटा है, उसकी वॉल्यूम कम है, उसका वेट कम है, उसका कॉस्ट कम है, तो ऑब्वियसली हम सबका फेवरेट एंटीना होगा। इसीलिए ही माइक्रोस्ट्रिप एंटीना बहुत ज़्यादा यूज़फुल एंटीना है। बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आप देखेंगे माइक्रोस्ट्रिप एंटीना यूज़ हो जाता है। फैब्रिकेशन कॉस्ट लो है, और ये बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में इसका प्रोडक्शन फीजिबल है। एक साथ बहुत सारे एंटीनाज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पोलराइजेशन पर। मैंने आपको बताया था कुछ एंटीनाज लीनियर पोलराइजेशन देते हैं, कुछ एंटीनाज सर्कुलर पोलराइजेशन देते हैं। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना ऐसा एंटीना है जो लीनियर पोलराइजेशन भी देगा और सर्कुलर पोलराइजेशन भी देगा, तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाते हैं कि डुअल एंड ट्रिपल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। लेट सपोज मेरे पास कोई भी एक एप्लीकेशन है जिसमें मुझे एक फ्रीक्वेंसी की जगह दो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करना है। अगर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता होता और मुझे दो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कराना, तो मुझे दो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना चाहिए होते। बट क्योंकि ये केपेबल है कि दो फ्रीक्वेंसी पर एक अकेला ही माइक्रोस्ट्रिप एंटीना वर्क कर जाएगा, इसके डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, ये सेम ही स्ट्रक्चर सेम ही डिज़ाइन के साथ दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर जाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें दो एंटीना की जगह एक एंटीना यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो उसके बाद आ जाते हैं मैकेनिकली रोबस्ट व्हेन इट इज़ माउंटेड ऑन द राइट सरफेस। तो हमें सरफेस देखना होगा कि सरफेस अगर अच्छा है, सरफेस ठीक है, तो ये रोबस्ट है, जल्दी से खराब नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से सरफेस में एनवायरमेंटल पैरामीटर्स से डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। एंटीना थिकनेस इज़ स्मॉल। अगेन मैं यही बात कर रही हूँ कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन बहुत मोटा नहीं चाहिए। यू वॉन्ट थिनर एंड थिनर डिवाइसेस। लैपटॉप को थिन एंड थिन करते जा रहे हैं, यू वॉन्ट स्लिमर डिवाइसेस। तो अगर मेरे पास एंटीना ही बहुत थिक होगा तो डिवाइस पूरा स्लिम कैसे बनेगा। तो अगर मैं माइक्रोस्ट्रिप एंटीना यूज़ करूँगी, बहुत बड़ी एडवांटेज है कि ये इसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है। सेकंड एडवांटेज इज़ दैट इट्स फीड लाइन एंड मैचिंग नेटवर्क कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द एंटीना स्ट्रक्चर। क्योंकि मैचिंग नहीं करी, आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि अगर मैचिंग नहीं करी तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर वेव्स रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो रिफ्लेक्शन लॉसेस हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हम लोगों के लिए, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में क्या होएगा, फीड लाइन इजीली मैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन लॉसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी थोड़ी बेटर हो जाती है।
रिफ्लेक्शन लॉसेस की वजह से एफिशिएंसी बेटर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसकी बैंडविड्थ कम है। बैंडविड्थ से क्या मतलब होता है? अगर मेरे को कोई भी एंटीना ऑपरेट करवाना है, मैं उसे देखती हूँ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर उसके आउटपुट क्या क्या आ रहे हैं। अगर मैं बहुत फ्रीक्वेंसीज चेंज करती हूँ और उसकी बहुत सारे पैरामीटर्स लाइक हाफ पावर बीमविड्थ, डायरेक्टिविटी, जो भी पैरामीटर्स हैं बीम एरिया, ये सब चीज़ें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग होने लग जाते हैं, तो मैं क्या कहूँगी, भाई इसकी तो बैंडविड्थ ही कम है, आई डोंट वॉन्ट दैट। मैं चाहती हूँ कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अच्छे से ऑपरेट करें, बट इसकी बैंडविड्थ थोड़ी कम है, ये डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज कि यहाँ पर पावर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। ठीक है, पावर होल्डिंग कैपेसिटी हमें चाहिए होती है सो दैट इसको अच्छे एप्लीकेशंस में, बड़े एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाए, राइट। इसकी पावर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। यहाँ पर गेन पे भी लिमिटेशन है, मैक्सिमम इससे 30 dB गेन ही मिल सकता है, गेन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा इससे। पुअर आइसोलेशन बिटवीन रेडिएटिंग एलिमेंट एंड फीड लाइन। ठीक है, रेडिएटिंग एलिमेंट और फीड लाइन के बीच में आइसोलेशन पुअर है, जिसकी वजह से हमें सरफेस वेव्स मिलने लग जाती हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने बताया अभी भी कि जैसे एक्साइटेशन ऑफ सरफेस वेव्स, क्योंकि यहाँ पर पुअर आइसोलेशन है बिटवीन द रेडिएटिंग एलिमेंट एंड द फीड लाइन, सो देयर वुड बी सम सरफेस वेव्स आ जाएंगी जो कि एफिशिएंसी रिड्यूस कर रही है। एफिशिएंसी इतनी भी हाई नहीं है कि हम इसे स्टैंड अलोन एंटीना की तरह यूज़ कर लें। हम इसे बहुत सारे एंटीना एरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी किसी ना किसी तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाकर इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर मुझे इसे डायरेक्टली यूज़ करना है तो एफिशिएंसी थोड़ी कम मिलेगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट यहाँ पर हमें गुड क्वालिटी सब्सट्रेट चाहिए होते हैं जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, मैंने कहा ओवरऑल कॉस्ट कम है, बट अगर मैं और एंटीना से कंपेयर करूँ तो, बट अगर मुझे सबस्ट्रेट अच्छा चाहिए, मुझे अच्छे एप्लीकेशंस में यूज़ करना है, तो अच्छे सबस्ट्रेट चाहिए रहेंगे। अच्छे सबस्ट्रेट महंगे होते हैं, राइट। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव द पोलराइजेशन प्योरिटी। मतलब अगर मैं सर्कुलर पोलराइजेशन ही चाहती हूँ किसी एप्लीकेशन के लिए, या लीनियर पोलराइजेशन ही चाहती हूँ किसी एप्लीकेशन के लिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट आइदर सर्क्यूलर और लीनियर पोलराइजेशन। कुछ इंटर मिक्सिंग हो जाएगा। अगर मुझे सर्क्यूलर पोलराइजेशन चाहिए तो कुछ लीनियरली पोलराइज रेडिएशंस भी आ रही होंगी साथ में, सो ये प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। लार्ज साइज एट लो फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में, आई टोल्ड यू कि साइज लैम्डा से कैसे अफेक्ट होता है। तो आप देखेंगे कि जब मैं लो फ्रीक्वेंसी पर चले जाती हूँ तो लैम्डा इंक्रीज हो जाता है। लैम्डा इंक्रीज होएगा तो हाइट और थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आई कैन से साइज इंक्रीज हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी पे। लास्ट, इट इज सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंज करा तो इसके रेडिएशंस पर अफेक्ट आने लग जाएगा, राइट। सो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन है, सो ये लिमिटेशंस भी हमें ओवरकम करनी पड़ेगी। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सब लिमिटेशंस हम ओवरकम कैसे करें। ठीक है, हाउ टू ओवरकम द लिमिटेशंस। सबसे पहला चीज़ है जो हम कर सकते हैं कि हम सब्सट्रेट को थोड़ा थिक कर दें। ऑल दो हमारी थिकनेस बढ़ जाएगी एंटीना की, डिवाइस की थिकनेस बढ़ जाएगी, बट जैसे ही मैंने सब्सट्रेट को थोड़ा थिक करा, बैंडविड्थ अच्छी हो जाएगी। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट। तो सब्सट्रेट को हम थिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन कट स्लॉट्स इन मेटेलिक पैच। जैसे ही स्लॉट्स बना दिए मेटेलिक पैच में, एरे की तरह वर्क करने लग जाएगा, गेन अच्छा हो जाएगा, रेंज अच्छा हो जाएगा, डायरेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा, ये तो हम चाहते ही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, स्लॉट्स बना सकते हैं पैच के अंदर। उसके बाद हम अपर्चर कपल्ड स्टैक्ड पैच एंटीना यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे अपर्चर कपलिंग करते हैं। ओके, सो वी कैन यूज़ दैट एंटीना। उससे हम थोड़ी लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं। आप आ जाते हैं पैरासाइटिक पैचेस के साथ। हम पैरासाइटिक पैचेस यूज़ कर सकते हैं जो कि हम या तो मेन पैच के ऊपर रखें या उसके विसिनिटी में रखें। पैरासाइटिक पैच क्या होता है? एक तो मेन पैच है, ठीक है, जिससे हम फीड लाइन कनेक्ट कर रहे हैं। पैरासाइटिक पैच ऐसा पैच है जिसमें हम फीड लाइन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पैच के अंदर फीड लाइन कनेक्ट है, उसके ऊपर मैंने एक और पैच रख दिया, बट इससे फीड लाइन कनेक्ट नहीं है। कपलिंग के थ्रू यहाँ पर रेडिएशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाएंगी रेडिएशन की, ठीक है। तो हम पैरासाइटिक पैच यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशंस पर। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। द बिगेस्ट एप्लीकेशन इज पेजर्स एंड मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन में हमारे पास चिप्स होती हैं,
ओके, एंड चिप्स में हम माइक्रोस्ट्रिप एंटीना ही यूज़ करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम आईसीज बनाते हैं हम माइक्रोस्ट्रिप एंटीना यूज़ करते हैं। तो अभी भी आपके हाथ में एक माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, राइट? सो अब आ जाते हैं रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड नेविगेशन। तो यहाँ पर रडार किस लिए यूज़ होता है? रडार हम सबको पता है, हमें डिटेक्ट करना है कि ऑब्जेक्ट है सामने या नहीं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है उसकी स्पीड क्या है, ये डिटेक्ट करने के लिए हम रडार यूज़ करते हैं। देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम ऑब्वियसली हमेशा ही माइक्रोस्ट्रिप एंटीना यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है। टेलीमेट्री इन मिसाइल्स, मिसाइल्स कोई भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू बनती हैं। मिसाइल्स का अच्छे यूजेस भी हैं और बुरे यूजेस भी हैं, राइट? सो टेलीमेट्री में, मिसाइल्स में इट इज़ यूज्ड कि हमें मिसाइल्स को दूर से उसे ऑपरेट कराना हो तो हम मिसाइल्स के ऊपर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना लगा देंगे। उसके बाद इट इज़ यूज इन द फीड एलिमेंट इन कॉम्प्लेक्स एंटीना, कॉम्प्लेक्स एंटीना रहेगा उसका फीड एलिमेंट में लगा देंगे। इट इज़ यूज फॉर द सैटेलाइट नेविगेशन, हम नेविगेशन करते हैं, हम जब भी किसी दूसरी जगह जाते हैं नेविगेशन करते हैं। नेविगेशन करने के लिए क्या होता है, सिग्नल सैटेलाइट तक जाते हैं, सिग्नल्स को भेजने के लिए वी आर यूजिंग द माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। बायोमेडिकल रेडिएशंस, बायोमेडिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे कि लेट सपोज आपको कोई ट्यूमर डिटेक्ट करना है तो आपको रेडिएशंस बॉडी के अंदर भेजनी पड़ेगी, उस रेडिएशंस को कहीं किसी सरफेस पर उसका प्रिंट लेना पड़ेगा। तो ये रेडिएशंस कैसे जनरेट हो रही है, ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना से जनरेट हो रही है। सो आई होप आपको सारी एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस एंड एडवांटेज समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो जाइए डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एंड अगर आपको ये सब वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।